एक मिनट आधा रुको, देखनी पड़ी है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। आज हमने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है देसी शराब ठेका बंद कराने हेतु में। कल हमने पूर्व में आशागंज के अंदर में एक विरोध प्रदर्शन करा गया था और ठेका बंद कराने बाबत में कहा था, पर आज को आगे बढ़ाते हमने आज शनिवार होने के कारण कलेक्टर महोदय को न देके एसपी साहब को ज्ञापन दिया। सोमवार को फिर हम ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देंगे। हमारा एक ही मांग है क्षेत्रवासियों के सहित कि वहाँ देसी शराब का ठेका नहीं खोला जाए, उस ठेके को और जगह के हस्तांतरण कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे जो आसपास में एसी वर्ग ज़्यादा आता है, दूसरी बार शमशान घाट है, स्कूल है और मंदिर वगैरह क्षेत्र आसपास होता है और वहाँ रागरों का आमजन ज़्यादा है, अगर वहाँ ठेका खुलता है तो ये चीज़ें नॉर्मल कंडीशन में जाएगी। और इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम ये चाहते हैं और हम ये बस्तीवासी कास्तूर चाहते हैं कि उस जगह पर ठेका ना खुले, ये हमारी मांग है। राजेश कुमार 2020 को माननीय एसपी साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं। आशागंज हरिजन बस्ती वार्ड नंबर 19 के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस आशागंज शमशान घाट में के सामने कल देसी शराब का ठेका खोला गया था, जिसका सभी क्षेत्रवासियों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और मजबूरन ठेकेदार को दुकान बंद करके भागना पड़ा। इससे पहले भी वहाँ पे देसी शराब का ठेका खोला गया था, सभी क्षेत्रवासियों ने जमकर विरोध किया था। आज से 6 महीने पहले उसको भी बंद करा गया था। माननीय एसपी साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि एसपी साहब इस ठेके को बंद कराएंगे। ठेके की वजह से पहले जब ठेका खुला था उसकी वजह से शराबी शराब पीकर रोड पे पड़े रहते थे तथा आने जाने वाली महिलाओं से छेड़खानी करते थे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ठेके को बंद कराने की कृपा करेंगे। विनोद नकवाल, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड नंबर 19, शहर जिला कांग्रेस कमेटी अजमेर। अरे कुछ नहीं होगा यार, वैसे आज जाओ अंदर ही आ गए तो क्या दिक्कत है। देखनी पड़ी है, वायदा खुलने के लिए तैयार हूँ। देखनी पड़ी है, वायदा खुलने के लिए तैयार हूँ। देखनी पड़ी है।